वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स की और उनके वाटर प्रोपोगेशन की। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंडोर हम मिट्टी में भी लगाते हैं, कुछ वाटर में भी। यहाँ पर मैं आपसे आज दिखा रही हूँ, देखिए ये सिंगोनियम, ये भी मैंने पानी में लगाया हुआ है। डम के ये भी है, प्रीपुथोस है। यहाँ पर एक मैंने इसको लगाया है जो सिंगोनियम है, प्लास्टिक की एम्प्टी थी, ऐसे पुरानी खाली जो बॉटल हुई उसमें ही लगा दिया। और ये कितना अच्छे से चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊँ कितने सारे प्लांट्स इंडोर हैं जिनको हम वाटर प्रोपोगेशन के जैसे घर के अंदर सजावट के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए, आज जिन प्लांट्स को हम इंडोर में लेंगे वाटर प्रोपोगेशन के लिए, सबसे पहले ये सिंगोनियम, पीस लिली, स्नेक प्लांट, ये एवरग्रीन चाइनीज, फिलोडेंड्रोन, ये भी स्नेक प्लांट की दो वैरायटीज हैं। ऐसी ये पुथोस जो मनी प्लांट होता है, एक गोल्डन पुथोस और एक ये ग्रीन पुथोस, और ये जो न्यू प्रैक्टिकल मैंने शुरू करना है डमकेन की स्टेम। तो ये जो वाटर प्रोपोगेशन के लिए ये मैंने ग्लासेस में पानी पहले से डाला हुआ है। तो कटिंग्स मैंने आपको दिखाई थी इनने को, सबसे पहले ये एवरग्रीन चाइनीज का, इनको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज में। पीस लिली, ये जो पुथोस दो गोल्डन और ग्रीन पुथोस, ये दोनों में एक ही उसमें डाल रही है, इसमें नॉट रखनी ज्यादा जरूरी होती है। ये स्नेक प्लांट की दो वैरायटी, दोनों को एक ही पॉट पानी की उसमें डाल रही हूँ। सेम सिंगोनियम, सिंगोनियम एक ये फर्टेज बन रहा मेरे पास, दोनों शार्पेज में इन दोनों को। ये फिलोडेंड्रोन, इसकी ये मैंने नॉट दी थी, इसमें नॉट के साथ ये थोड़ी सी रूट है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी, देखती हूँ कि डेवलप होगा कि नहीं, पर बाकी नॉट से मेरे को लगता है न्यू रूट्स जरूर आ जाएंगी। एक जो न्यू प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा रही थी कि ये डमकिन की स्टेम, डमकिन की स्टेम यूजली मेरे पास जितने भी डमकिन के प्लांट्स हैं सब गमले में है। वाटर प्रोपोगेशन में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, वो आपको मैंने बिगनिंग में दिखाया वीडियो के, कि वो कितना अच्छा निकल आया था, उसकी रूट्स बड़ी अच्छी निकल आई थी। तो ये डमकिन की स्टेम जो है वो मैं एक पानी में डाल रही हूँ। अब मैं ये देखूंगी इसको कितने दिनों में इसकी रूट्स निकलेंगी, क्योंकि डमकिन की जो रूट्स थी और पीस लिली की वो ऑलमोस्ट 10 डेज में मेरी निकल आई थी उसमें, और स्नेक प्लांट थोड़ा टाइम लेता है, सेम फिलोडेंड्रोन का। और ये सारे एयर प्योरीफायर हैं, घर के अंदर का भी पोल्यूशन खत्म करेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर इन प्लांट्स को लगाओ, इजी टू मेंटेन है, और घर में डेकोरेशन तो चलो लगती ही लगती है, एयर भी प्योरीफाई होती है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, आई विल कम विद न्यू वीडियो कलरफुल प्लांट्स की जो इंडोर हैं उनके लिए, फिर मैं आऊँगी। थैंक यू।